आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पीएम मोदी गुजरात में मिशन लाइफ की शुरुआत करने के बाद शुक्रवार को उत्तराखंड के दो दिनों के यात्रा पर हैं। पहले दिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए और वहां चल रहे विभिन्न कार्यस्थलों का निरीक्षण भी किया। उसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन किए। हालांकि बीते 8 सालों में पीएम मोदी का ये केदारनाथ का 6वां और बद्रीनाथ का 2रा दौरा था। इस मौके पर पीएम मोदी हिमाचली पोशाक में नजर आए, जो उन्हें चंबा के हिमाचल की एक औरत ने गिफ्ट किया था। बता दें, पीएम मोदी ने सबसे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना कर 1,267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौरी कुंड केदारनाथ रोप वे की आधारशिला रखी। इसके बाद पीएम मोदी बद्रीनाथ गए और फिर वहां पहुंच उन्होंने माणा गांव में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। माणा गांव में पहुंचने के बाद एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया, जीवन धन्य हो गया। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव है और देश का प्रहरी है। उन्होंने कहा 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ है, पहला अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। आखिर में उन्होंने कहा कि विकास के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर श्रद्धालु को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरुओं की कृपा बनी रहे, बाबा केदार की कृपा बनी रहे, बद्री विशाल की कृपा बनी रहे, हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।